छुड़ाने वाला है। यीशु के मरने के बाद इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, तीनों परमेश्वर के नियमों का पालन ना कोरी और तीनों तैसे करारों के देश पौरे से बोचे उन कनानी लोगों के बारे ना गाड़ी। इसराइली लोग अपने साथ परमेश्वर यहोवा के छोड़े बा कनानी लोगों के देवताओं की पूजा करने शुरू कर दे। इसराइली लोगों के ही कुंजई राजा ना थी, इत करिए जैसे के जू अच्छो लागो तेने से जय करो। परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण इसराइली लोग ऐसे नियम के शुरू कर दिए जितु के तीनों कई बई अटियों करे राय थे। ऐसे नियम ऐसे के चाले किच्चे सालों तोड़ी इसराइली लोग परमेश्वर की आज्ञा न मान दे तब ऐसे तीनों के तीन के दुश्मनों से हराया सजा देंदा। ऐसे लोग इसराइली लोगों से तीन की चीजों लौटी देंदे, तीन के जायदाद नाश कर देंदे और तीन मुंजुदे बुते के मारे देंदे। तबे जब इसराइली लोगों के दुश्मन तीन का कई सालों तोड़ी बुरा हाल कर ले तितके बाद इसराइली लोग पाप करना छोड़ देंदे और परमेश्वर के इंदी तिनके बचानों के लिए प्रार्थना कर दे। हर बार जब इसराइली लोग पाप करना छोड़ दे ले तो परमेश्वर तिनके बचाला। सी एक छुड़ाने वाला के द्वारा ऐसा क्या करदा, एक ऐसा आदमी जो तिनके दुश्मनों के खिलाफ लड़दा और तिनके हरा देंदा तब तो देश दे शांति होंदे और से छुड़ाने वाला तिनु पांदी अच्छे से राज करदा। परमेश्वर तीन लोगों के बचानों करिए बुरी से छुड़ाने वाला छाड़े। परमेश्वर निरी के एक दुश्मन जाति मिद्यानियों के द्वारा इसराइली लोगों के होराय अट्टियों के ऐशा के करो। मिद्यानी लोग गए 7 सालों तोड़ी इसराइली लोगों की शाखों के लूटी। इसराइली लोग बेजाय डोरे गुए थी और से ओडारो बितरे चोरे गुए ताकि मिद्यानी लोग तीनों के जोए न पाओ। आखिरकार तीनों आपी के बचानो करिए परमेश्वर का नाव लोआ। गिदोन नाव का एक इसराइली मोरो थिया एक दूसरे ने एक ठाव दे मैसो गीह पोने लो थिए ताकि मिद्यानी लोग तीनों चोरे ने दे। युवा परमेश्वर किशोर दूत गिदोन के दौरे आए बा तैसे के बोलो ओरे शूर वीर सुरमा परमेश्वर तेरे साथ असो जा और इसराइली लोगों के मिद्यानी लोगों से बचा। गिदोन के बापू के ही मूर्ति के चौड़ानो करिए एक बैदे थे। शब्दी अगली बात जो परमेश्वर गिदोन के कोनो करे बोले तेसके सहज बैदे तोड़ने थे पर गिदोन लोगों दा दौरो थिया इत करे तेने रात होने के ठोलना करे तबे तो तेने त्यों बेदी के तोड़े बा टुकड़े टुकड़े कर दिए। तेने परमेश्वर करिए एक नोई बैदे बाने और तित पांदी परमेश्वर करिए बोले चौड़ाए ओकी दूसरे लोग देखो कि कुड़िए बेदी के तोड़े बा टुकड़े टुकड़े कर दिए इत करिए से बेजाय गुस्से हुए और से गिदोन के मारनो करिए तेसके गोरे ओटे पर गिदोन के बापू बोलू तू कितु के अपने देवता की मदद करने की कोशिश कर लो जैसे देवता असो तो तैसे अपना ध्यान आप रखनो देव जितु के तेने ऐसे के बोलो इत करिए लोग गिदोन के ना मारी तबे इसराइली लोगों के लुटनो करिए मिद्यानी लोग अट्टो हुए से इतरे जोने थिए कि तिनकी गिनती बिना हो सको। गिदोन तीन के खिलाफ लड़नो करिए इसराइली लोगों के एक साथ बुझ दे। गिदोन ने परमेश्वर के इंदे दो निशान मांगे ताकि तैसे विश्वास हो जाओ कि परमेश्वर है सोती के तैसे के इसराइली लोगों के बचानो करिए बोले लो। अगले निशानो करिए गिदोन ने बैठ के ऊन के जमीनों पांदी रखे बा परमेश्वर के बोलो कि जिशो के ओश सिर्फ बैठो के त्यो ऊनो पांदी पड़ो और जमीनों पांदी ने पड़ो। परमेश्वर ऐसे के करो ओकी रात तेने परमेश्वर के बोलो कि जमीन बेच जाओ पर ऊन शो के रहो। परमेश्वर ऐसे के बे करो इन दो निशानों की वजह से गिदोन ने विश्वास करा कि परमेश्वर सोती के चाहो किसी इसराइली लोगों के मिद्यानी लोगों से बचाओ। तबे गिदोन ने सैनिकों के अपने दौरे बुझ दे और 32,000 मरोद हुए पर परमेश्वर तैसे के बोलो कि ऐजे बुझते असो और गिदोन ने तीनों मुंजी दे 22,000 मर्दों के गौरे पचू छाड़े दिए जू लड़नों से डरो थिए। परमेश्वर गिदोन के बोलो कि ऐजे मरोद इबी वे बुझते असो इत करिए गिदोन ने तीन मुंजी बे सिर्फ 300 सैनिकों के छोड़े बा बाकी सब्बे गौरे के छाड़ दिए। त्यों ही रात परमेश्वर गिदोन के बोलो मिद्यानियों के डेरे पाछी जा और तिनकी बातों सुन जब तू सुन पाए किसी का बातों करो तो तू तीन पांदी हमला करनो से न डोरिया इत करिए त्यों रात गिदोन उदा तिनके डेरे पाछी होटा और तेने एक मिद्यानी सैनिक के अपने दोस्तों के ही सहजे बात बतादे बे सोने
जो तेने सुने मुंजी देखे रहे थे। तैसी मर्दो के दोस्त बोलू ऐसे सुने का मतलब असो कि गिदोन की सेना अमू मिद्यानी सेना के हराए दें दे। जब गिदोन ने जो सुनो तो तेने परमेश्वर की बड़ाई करे। तब गिदोन अपने सैनिकों के दौरे पाछू ओवा और तीनों मुंजी दे सभी के एक एक नरसिंगा एक माटी को बासोन और एक मशाल दे। तीनों तीनों गैर दिए जिथे मिद्यानी सैनिक सोते रुए थे। गिदोन के 300 सैनिक अपनी मशालों बासनों ले खोटी रही थी। इत करिए मिद्यानी लोगों के तीनों मशालों को प्याशू ना देखी। तब गिदोन के सोबे सैनिक अपने बासनों के एक ही बी तोड़े बा एकदम से मशालों के आग दिखाई दे। तीनों अपने नरसिंह के बुझो हुए और जोर से बोलो युवक के डोबो से गिदोन की तलवार। परमेश्वर ने मिद्यानी लोगों के डराए दिए। इत करिए से एक ही दूजे के मार दे और काट दे लागे। तो लुई गिदोन ने चूजा देने वाले के बुरी से ओकी इजराइली लोगों के बोझ दे छाड़े ताकि किसी मिद्यानी लोगों का पीछा करनो दे तिनकी मदद करो। तीनों तीनों मुंजी दे बुते के मारे दिए और बाकी का पीछा करे बा तीनों के इजराइल देश पोरे से बाहर गाड़ी दिए। तैसे दूसरे 120,000 मिद्यानी लोग मरे गए। ऐसे के परमेश्वर है इजराइल लोगों के बचाए। सजे लोग गिदोन के अपना राजा बनना चाहती है पर गिदोन ने तीनों के ऐसे के ना करनो दी। पर तेने तीनों आ दे सजे सुनने के गोने मांगे जो तीन मुंजी दे सभी मिद्यानी लोगों से लौटे रहे थे। तीनों लोग बुरी सुनो गिदोन के दियो। तब गिदोन ने तीतु सुने लई एक खास खोटियोन बाणो जैसे के महापुरोहित पांबिया करो थिए। पर लोग तीतु खोटियोन के पूजा करने शुरू कर दे जैसे कैसे एक मूर्ति होले। तब परमेश्वर अट्यो के इसराइल के सजा दे जितु के तीनों मूर्ति की पूजा करे। परमेश्वर है तिनके दुश्मनों के तीनों ओरानो करिए काबिल बाणे। आखिरकार तीनों अट्यो परमेश्वर कई दी मदद मांगनो करिए प्रार्थना करे और परमेश्वर तिनके दौरे तीनों के बचानो करिए एक ओक्का छुड़ानो वाला छाड़ा। ऐसी बात कई बे होए कि इजराइली लोग पाप कर दे गोए और परमेश्वर तीनों के सजा देंदा रोआ से पाप करनो छोड़े देव और परमेश्वर तीनों के छुड़ानो करिए कोसे के छाड़ो थिया। कई साल तोड़ी परमेश्वर है बोरी से छुड़ानो वाला के छाड़े जिन्हुए इजराइली लोगों के तिनके दुश्मनों के इंदे बचो हुए। आखिरकार तीनों लोग ओकी देशो साए परमेश्वर के इंदे आपी करिए एक राजा मांगा। से एक ऐसा राजा चाहो थिए जो लंबा और शक्तिशाली हों और जो युद्ध मुंजी तिनके अगुवाई कर सको। परमेश्वर तिनकी यो बिनती से खुश न थी पर तेने तीनों के तैसना ही राजा दिया जैसना तीनों मांगे राय थिया। न्यायो अध्याय 1:6 और पहला शमूएल अध्याय 1:10 पर से बाइबल के कारण।